What's up, yaro? Welcome to my YouTube channel YJ Vlogs. Good morning from Badrinath. कल रात हम 1 बजे पहुंचे यहाँ पे और ये है हिमसागर गेस्ट हाउस और ये दीपक भाई. तो कल हम रात यहाँ पे रुके. ये है बद्रीनाथ में मॉर्निंग का नज़ारा. ये है नीलकंठ पर्वत जहाँ पे आपको धूप दिख रही है और यहीं पर एक बर्फ दिख रही है मुझे यहाँ पे. सुबह उठ गए हैं, 6 बज रहे हैं. आप नहा धो के तैयार होते हैं, फिर मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं. हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और हमने यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म करने के लिए. सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं बद्रीनाथ धाम को. तो अब हम जा रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए. सामने बोर्ड पर लिखा है जय बद्री विशाल. ये है मंदिर का रूट. और वो देखो यार, कितना मस्त झरना गिर रहा है वहाँ पे से. और ये पानी है जो ऊपर वो चोटी पे बर्फ दिख रही है वो ही पिघलते हुए आ रही है ऐसे करके. और ये झरने का रूप ले रखी है. वहाँ गांव भी है. ये पूरा गांव खाली हो जाता है जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना. ये पूरा गांव इधर पूरा, ये सब लोग रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि नज़ारे इतने प्यारे हैं. जो भी यहाँ आता है हर कोई सोचता है कि यहाँ से यादें लेके जाएं और वो इन फोटो और वीडियो के ज़रिए आप कैप्चर कर सकते हैं. एक टाइम था जब यहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी. आजकल तो यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से. ठंडा लग रहा है बहुत. बस एक ये पहन रखा है इसके अंदर यार, इनर पहनना भूल गया. चलो कोई बात नहीं, अभी नहाएंगे तो सारी ठंड गायब हो जाएगी. तो यह है बद्रीनाथ में डाकघर, पोस्ट ऑफिस और हल्का हल्की दुकानें खुल गई हैं यार, वरना तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है रास्ते में. जय नारायण. मंदिर के दर्शन करने के लिए अब हम सब लोग जा रहे हैं सुबह सुबह. और बताओ, ये लोग देखो जल्दी दर्शन करके आ गए, मतलब हम बहुत काफ़ी लेट हैं. तो ये है रास्ता बद्रीनाथ के लिए. भीड़ ज़्यादा नहीं है, दुकानें भी एक आध खुली हुई हैं. आते वक्त जो लेना है लेंगे, तो ना के बराबर भीड़ है यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही है. हाँ, जय हो जय हो. यहाँ पे एक अल्टीमेट मज़ा है यार. और ये देखिए, ये है पूरी अलकनंदा रिवर. पहले जो रूट था ना, शायद अभी भी होगा, लेकिन लोग वहीं से जा रहे हैं डायरेक्ट क्योंकि भीड़ नहीं है. पहले ये जो रूट आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे करके जाते हुए उस पुल से क्रॉस करते हुए, वहाँ लाइन लगी रहती थी. और लाइन पता है कहाँ तक लगती थी? जो ये पूरा टिन वहाँ ख़त्म हो रहा है वो घर दिख रहे हैं उससे भी ऊपर लाइन लगी रहती थी. आजकल तो भीड़ ही नहीं है यार, बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है. और देखो यहाँ से व्यू. तो ये है आजकल जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है. पहले यहाँ से बाहर आते थे लेकिन कोरोना की वजह से भीड़ है नहीं ज़्यादा, तो आजकल यही मेन एंट्रेंस है. भीड़ देखिए आप मंदिर में बहुत ही कम लोग हैं, जबकि आज तो वीकेंड है. पहले अब हम जाएंगे तप्त कुंड में नहाएंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे. जय बद्री विशाल. और यहाँ से भी कोई गांव है यहाँ पे, भामुड़ी गांव शायद ये है. आगे मंदिर के दर्शन करेंगे, पहले हम जाते हैं तप्त कुंड में, स्नान स्नान करते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए. तो यहाँ से आप प्रसाद वरसाद ले सकते हैं. बिल्कुल मंदिर के बगल में है सारी प्रसाद की दुकानें.
और ये देखिए ये है तप्त कुंड, और आप देख लो मतलब अंदर से कैसा धुआं निकल रहा है गर्म पानी का, बाहर कितना भी ठंडा हो। अरे मज़ा आ गया, क्या बात है। ये है पीछे तप्त कुंड, महाराज जी देखो तो कितने सेकंड रुका था पानी, पानी में कितने सेकंड रुके? रुका तो मैं 10 सेकंड, लेकिन 10 गिन नहीं पाया। भैया नहा लिया है हमने यहाँ पे तप्त कुंड में, और मतलब ये लगा लो 10 सेकंड आदमी पानी के अंदर रह नहीं सकता। 30 घंटे बाहर है ना, उससे डबल गर्मी के अंदर है। तो समझ लो 70 डिग्री टेम्परेचर होगा। हाँ इतना होगा मतलब बिल्कुल खोल रहा है पानी। 2-4 मिनट डालिए, फिर 2 मिनट रुकिए, उसके बाद जाइए, ताकि आपकी बॉडी उस पानी के लिए तैयार हो जाए। सही बात, नहीं तो फिर आपके साथ जो होगा शौक लगेगा शौक। ये मेन तपत कुंड है, यहीं पर भगवान ने तपस्या की है, भगवान की तपोस्थली है। अच्छा, इसको तपत कुंड, इधर ये गौरी कुंड है अंदर। हाँ, सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड के बाद वो चंद्र कुंड है। अच्छा। अभी हालांकि उनमें पानी नहीं है। हाँ। और ये नारद कुंड है, इसके नीचे नारद शिला है। अच्छा। यहाँ पर 5 शिला है, तो यहाँ पर मार्कंडेय शिला है, ये नारद शिला है, ऊपर गरुड़ शिला है, जहाँ से पानी दिखाई देता है, पानी निकलता है गरुड़ शिला। हाँ, जहाँ से वहाँ से इसके आगे वारा शिला है। अच्छा। और वारा शिला के आगे नरसिंह शिला है। अच्छा। यही पर भगवान नारायण ने स्वयं बैठ के तपस्या किया है, और माँ लक्ष्मी ने उनके ऊपर बेर का झाड़ बना के छाया किया है। अच्छा। क्योंकि ये शत्रु का धाम है, धाम हमारे भारत में केवल सनातन धर्म के चार ही धाम है, रामेश्वर हुआ, जगन्नाथ हुआ, द्वारिका हुआ, बद्रिकाश्रम हुआ। तो ये सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रिकाश्रम। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो जाए बद्री कबहु न आए बद्री, कदापि आए बद्री तो कबहु न हो दरिद्री। जो एक बार भगवान बद्रीनारायण की यात्रा कर देता है, उसका फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है, उसका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष हो जाता है, मोक्ष। तप्त कुंड में अब हमने स्नान कर लिया है, स्नान करने के बाद करते हैं बद्री विशाल के दर्शन। जय बद्री विशाल। तो यह है बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ धाम। और ये देखो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। जय हो, जय हो। चलो फिर भी ज़्यादा नहीं है यार, पहले जो लाइन लगती थी वो पूरा वो टिन, उससे भी ऊपर लाइन लगती थी, अब तो ज़्यादा है नहीं, लग जाएंगे यहीं पर। मतलब मंदिर के दर्शन से पहले यहाँ पे आपका ई पास सारा चेक होता है, जो मंदिर दर्शन के लिए ई पास बनता है, और भीड़ ज़्यादा है नहीं। तो अब हम ये हैं मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ से अंदर होंगे दर्शन, जय बद्री विशाल। छोड़ो ना, क्या छोड़ो बनना।
के नारायण सिंह के ठीक है दीदी। अब हम लोगों के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। अब हम देखो माना तो सुनाई दे रहा है कि माना जाने नहीं दे रहे हैं, जहाँ तक जाने रहेंगे वहाँ तक जाएंगे अंदर को। माना है ना, रिटर्न आ रहा हूँ वहीं से अभी। अच्छा हाँ, तो फिर माना जाना है नहीं तो फिर सीधे निकलते हैं। तो ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आलू के परौठे विथ अचार। देखते हैं कैसा है। बताओ कैसा लगा, चाय आ रही है। तो प्लान हमारा था यहाँ से माना जाने का, लेकिन माना जाने नहीं दे रहे हैं, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जो लोग पहली बार चैनल में हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को बजा दें टर्न करके। YJ ब्लॉग्स यू।